नेक्स्ट बोन इज ह्यूमरस। ह्यूमरस लॉन्गेस्ट बोन है आर्म की। आर्म शोल्डर से लेकर एल्बो तक के रीजन को कहते हैं। ग्लीनो ह्यूमरल ज्वाइंट बनाता है ये। ह्यूमरस ग्लीनोइड कैविटी ऑफ स्कैपुला के साथ। सारी डिटरमिनेशन के लिए हम तीन चीज़ें देखेंगे। इसका हेड देखेंगे, ग्रेटर ट्यूबरकल देखेंगे, बाइसिपिटल ग्रूव देखेंगे। हेड को हम मीडियली रखेंगे मिड लाइन की तरफ, ग्रेटर ट्यूबरकल को हम लेटरल साइड पर रखेंगे और बाइसिपिटल ग्रूव को हम सामने वाली साइड पर रखेंगे। तो इसकी सारी डिटरमिनेशन होगी। अगर हम इसकी बात करें तो हेड को हमने मीडियली रख लिया, ग्रेटर ट्यूबरकल को लेटरली रख लिया, बाइसिपिटल ग्रूव को सामने रख लिया, तो ये हमारे पास राइट साइड की बोन बनेगी। इसके बाद इसके पास बोनी फीचर हैं। बोनी फीचर ये है कि सबसे पहले अपर एंड है, शाफ्ट है, लोअर एंड है। अपर एंड के अंदर हमारे पास हेड, एनाटॉमिकल नेक, ग्रेटर ट्यूबरकल, लेसर ट्यूबरकल, इंटर ट्यूबरकल, सल्कस, सर्जिकल नेक, मॉर्फोलॉजिकल नेक, एक एक करके बात करते हैं। सबसे पहले हेड, हेड राउंडेड प्रोजेक्शन है अपर एंड से, जो कि ग्लीनोइड कैविटी के साथ जॉइंट बना रहा है। ये जो चीज़ है ये सारी हेड कहलाती है। हेड जो है वो ग्लीनोइड कैविटी और स्कैपुला के साथ ग्लीनो ह्यूमरल जॉइंट बना रहा है। उसके बाद हमारे पास एनाटॉमिकल नेक है। एनाटॉमिकल नेक वो रीजन है, वो लाइन है जो हेड को बाकी अपर एंड से सेपरेट करती है। ये टोटल हमारे पास अपर एंड है, वो लाइन जो हेड को अपर एंड से सेपरेट करती है उसको हम कहते हैं एनाटॉमिकल नेक। उसके बाद हमारे पास ग्रेटर ट्यूबरकल है और लेसर ट्यूबरकल है। ग्रेटर ट्यूबरकल और लेसर ट्यूबरकल उभार हैं ह्यूमरस के ऊपर दो, एक ग्रेटर है, एक थोड़ा बड़ा है और एक थोड़ा छोटा है। ग्रेटर ट्यूबरकल लेटरल साइड पे है, लेसर ट्यूबरकल जो है वो मीडियल साइड पे है। ये है हमारे पास ग्रेटर ट्यूबरकल, ये है हमारे पास लेसर ट्यूबरकल। ग्रेटर ट्यूबरकल के ऊपर तीन इंप्रेशन है, इसके ऊपर मुख्तलिफ मसल इंसर्ट करते हैं। द ग्रूव बिटवीन दीज टू इज कॉल्ड इंटर ट्यूबरकल सल्कस। उसके बाद हमारे पास सर्जिकल नेक है। सर्जिकल नेक अपर एंड को शाफ्ट से सेपरेट करती है। उसके बाद हमारे पास मॉर्फोलॉजिकल नेक है। 0.5 सेंटीमीटर सर्जिकल नेक से ऊपर जो है वो मॉर्फोलॉजिकल नेक होती है। हमारे पास सर्जिकल नेक है और हमारे पास मॉर्फोलॉजिकल नेक है, जो लग रहा है मैंने गलत। ये हमारे पास सर्जिकल नेक है जो कि अपर एंड को शाफ्ट से सेपरेट कर रही है और इससे 0.5 सेंटीमीटर अबव जो है वो मॉर्फोलॉजिकल नेक होती है। इसके बाद हमारे पास आ जाती है शाफ्ट। शाफ्ट के जो हैं तीन बॉर्डर हैं और तीन सरफेसेस हैं। शाफ्ट अपर साइड से होती है राउंडेड और लोअर बॉर्डर पे जाके ये ट्रायंगुलर हो जाती है। ट्रायंगुलर होती है तो बॉर्डर वाजे हो जाते हैं, एंटीरियर, लेटर और मीडियल बॉर्डर। अपर एंड पे ये है जो शाफ्ट है वो सर्कुलर होती है। लोअर एंड पे ये हमारे पास एंटीरियर बॉर्डर बनेगा, ये हमारे पास लेटरल बॉर्डर बनेगा, ये हमारे पास मीडियल बॉर्डर बनेगा। इसके बाद शाफ्ट के पास हैं तीन सरफेसेस, एंट्रोलेटरल सरफेस, एंटीरियर और लेटरल बॉर्डर के दरमियान में एंट्रोलेटरल सरफेस, एंटीरियर और मीडियल बॉर्डर के दरमियान में एंट्रोमीडियल सरफेस, और ये पोस्टीरियर व्यू में लेटरल और मीडियल बॉर्डर के दरमियान में ये हमारे पास पोस्टीरियर सरफेस है। कुछ बॉर्डर और शाफ्ट वगैरह की मेन पॉइंट्स की बात कर लेते हैं। एक इधर डेल्टॉइड टेब्रोसिटी है, ये जो है ये हमारे पास लेटरल बॉर्डर वाली साइड पे है और यहाँ पे डेल्टॉइड मसल यहाँ पे इंसर्ट करता है। उसके बाद हमारे पास लेटर सप्राकोंडाइलर रिज है। लेटर सप्राकोंडाइलर रिज जो है वो बोनी प्रोमिनेंस है। लेटरल बॉर्डर लेटर सप्राकोंडाइलर रिज से एक्सटेंड करते हुए ग्रेटर ट्यूबरकल के पास जाता है। उसके बाद हमारे पास एंटीरियर बॉर्डर जो है ये हमारे पास दोनों फॉसास के दरमियान में, ये कोरोनाइड फॉस है, ये रेडियल फॉस है, इन दोनों के दरमियान में से होता हुआ ये जाता है और ये ग्रेटर ट्यूबरकल, ये जो दो किनारे हैं ग्रूव के इनका नाम है, इसका नाम है लेटरल लिप ऑफ इंटर ट्यूबरकल सर्कस, इसका नाम है मीडियल लिप ऑफ इंटर ट्यूबरकल सर्कस और ये है फ्लोर ऑफ इंटर ट्यूबरकल सल्कस। इस पूरे को इंटर ट्यूबरकल सल्कस कहते हैं। ये मीडिया लेटर लिप है, ये फ्लोर है और ये मीडिया लिप है। उसके बाद हमारे पास पोस्टीरियर साइड पे एक ग्रूव भी बनता है बोन में जिसका नाम है रेडियल ग्रूव। रेडियल ग्रूव के अंदर से रेडियल नर्व पास करती है। उसके बाद बारी आती है लोअर एंड में। लोअर एंड में दो सरफेसेस जो हैं वो आर्टिकुलर सरफेसेस हैं। आर्टिकुलर सरफेसेस वो हैं जो कि जॉइंट फॉर्मेशन में काम करते हैं। एक है कैप्चरम। कैप्चरम जो है वो
रेडियस के साथ जॉइंट बनाती है, और ट्रॉक्लिया जो है वो अल्ना के साथ जॉइंट बनाती है, और एल्बो जॉइंट जो है वो ट्रॉक्लिया और अल्ना के दरमियान में होता है। क्रोनाइड फॉसा, क्रोनाइड फॉसा और रेडियल फॉसा दो फॉसास हैं जो कि एंटीरियर सरफेस पे हैं, और जो अलेक्रन फॉसा है वो पोस्टीरियर सरफेस के ऊपर है। लेटरल एपिकॉन्डाइल जो है वो लेटरल साइड पे है, और इसके ऊपर जो है वो एक रिज भी होती है जो कि लेटरल सप्राकंडाइल रिज होती है, और एक मीडियल एपिकॉन्डाइल है। मीडियल एपिकॉन्डाइल बोनी प्रोमिनेंस है मीडियल साइड पे, और इसके साथ जो है वो मीडियल सप्राकंडाइल रिज भी होती है। ये है हमारे पास कैपिचुलम, ये रेडियस के साथ ज्वाइन करता है। ये हमारे पास ट्रॉक्लिया, ये अल्ना के साथ ज्वाइन करता है। ये हमारे पास क्रोनाइड फॉसा, क्रोनाइड फॉसा के अंदर अल्ना का क्रोनाइड प्रोसेस जब एल्बो कॉम्प्लेक्स करते हैं तो यहाँ पे आके वो फिट होता है। ये रेडियल फॉसा है, रेडियल फॉसा में रेडियस फिट होती है जब एल्बो फ्लेक्स की जाती है। उसके बाद हमारे पास सीरियर साइड से जब हम देखते हैं तो हमारे पास ओलिक्रेनन फॉसा है। ओलिक्रेनन फॉसा के अंदर एक्सटेंशन में अल्ना का जो है ओलिक्रेनन प्रोसेस फिट होता है। उसके बाद हमारे पास दो बोनी प्रोमिनेंस है, एक मीडियल एपिकॉन्डाइल मीडियल साइड पे, और एक लेटरल एपिकॉन्डाइल लेटरल साइड पे। मीडियल एपिकॉन्डाइल को कॉमन फ्लेक्सर ओरिजिन भी कहते हैं, और लेटरल एपिकॉन्डाइल को कॉमन एक्सटेंसर ओरिजिन भी कहते हैं। उसके बाद ये यहाँ पे मीडियल सप्राकंडाइल रिज है, ये बोनी प्रोमिनेंस नज़र आती है साफ, और ये जो है लेटरल सप्राकंडाइल रिज।